जी उस्मान यस सर, मैं बताऊं जी सर, ओ एस एल डॉन जी सर एक एक्सटेंशन है गूगल पे सर। जब भी ओके हम कोई ओके प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट अमेजोन पे जाके सर उसको ऑन करते हैं, तो सर ऊपर से जो एक्सटेंशन है उसको ओ एस एल डॉन, उसको सर क्लिक करते हैं तो एक छोटा सा हमारे पास कॉलम सा आ जाता है, जिसके अंदर पर हमें पता चलता है कि कितने एक्टिव सेलर्स हैं और कितने मतलब कितने यूनिट्स हमारे पास पड़े हुए हैं, ये वहां से हमें पता चल जाता है। और कितने मतलब कितने लोगों ने इसको अप्रोच किया, वो भी ऊपर एक राइट साइड पे टॉप पे लिखा हुआ आ जाता है हमारे पास। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, तीन चीजें इसमें देखते हैं। एक तो ये कि आप इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा इसमें एफबी कर रहा है या एफबीएम कर रहा है, कितने लोग एक्टिव हैं इस वक्त, टोटल इसको कितने वो कर चुके थे, ठीक है, और मी टू, और हमारे कॉम्पिटिटर के पास कितना स्टॉक अवेलेबल है बिल्कुल करंटली, ठीक हो गया। यस सर, ओके जी, एएमजी डीएस क्विक व्यू, एमजेड डीएस क्विक, डीएस क्विक व्यू के लोग अमेजोन के पे कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है कितने 2FBA या 2FBM सेलर्स अवेलेबल हैं, मतलब वहां से हमें पता चल जाता है उसका ऐसे नंबर पता चल जाता है, ऐसे नहीं सॉरी बीएसआर पता चल जाता है, बेस्ट सेलर रैंक, कि उसका बेस्ट सेलर रैंक कौन सा, वो हमें ओपन नहीं करना पड़ता, मैनुअली चेक नहीं करना करना पड़ता। हमें वो शॉर्टली बता देता है एवरी लिस्टिंग के नीचे कि इसको किस किसने मी टू किया हुआ है, कितनी इसके इस लिस्टिंग के साथ कितने लोग मी टू कर चुके हैं, एफबीए कितने कर रहे हैं या एफबीएम कितने कर रहे हैं, ठीक हो गया। यस सर, ओके अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन आपसे, आप कोई सी पांच रिकमेंडेड कैटेगरीज के नेम बोल दें फटाफट से। रिकमेंडेड कैटेगरीज मैम होम एंड किचन और ऑफिस प्रोडक्ट, पेट्स, पेट्स एक्सेसरीज को देखते हैं हम उसमें, और ऑटोमोटिव में भी यही माइंड में, फाइव फोर कैटेगरीज। चलिए, ठीक हो गया, गुड कॉन्सेप्ट, क्लियर, ठीक हो गया। चलें जी, वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट बाय ओस्मान महमूद, जबरदस्त, ओके मैम, थैंक ओके थैंक यू। यू। अच्छा जी, नेक्स्ट जानशेर, जानशेर प्लीज आप अनम्यूट हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम, अच्छा, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो अमेजोन के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि अमेजोन के हमें स्टार्टिंग में जो हमने सीखा उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूएस मार्केट को सेलेक्ट करेंगे। ओके यूएस मार्केट का जो पोस्टल कोड है वो 1001 है, ओके और उसके अलावा फिर हम बेस्ट सेलर रैंक में बेस्ट सेलर देखेंगे। बेस्ट सेलर में हमने उसकी डिटेल में जो देखा वो हमने उनका बेस्ट सेलर रैंक देखा, एसएन नंबर देखा, और उसमें एक होलसेल की प्रोडक्ट देखना सीखी, जो न्यू एंड यूज्ड जिनमें आता है वो होलसेल की प्रोडक्ट्स हैं। ठीक हो गया। और इसके अलावा ये बेस्ट सेलर में हो गया, उसके अलावा हमने डिफरेंट टूल्स सीखे जिसमें हीलियम टेन सीखा हमने, जंगल स्काउट, कीपा एंड ओ एसिडॉन वगैरह। तो हीलियम टेन का मैं आपको बता दूं पहले। जी जी प्लीज, जी एक सेकंड। हीलियम टेन ठीक में हमने प्रोडक्ट प्रोडक्ट के फाइंडिंग में से सीखा, उसका कीवर्ड नीच एंड प्रोडक्ट टारगेटिंग। तो इसमें प्रोडक्ट में हमने डिफरेंट है। अच्छा, ब्रांड्स को हीलियम सर्च टेन का किया, डिफरेंट। आपने सबसे पहले ब्लैक बॉक्स का ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट किया, ठीक है, ओके ओके उसके जी, बाद आपके ब्लैक बॉक्स पास, और जी मैग्नेट, ये दो दो हमने सीखे। तो जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, ये क्यों आप ब्लैक इस्तेमाल बॉक्स, कर रहे हैं, वजह इन दोनों की? ब्लैक बॉक्स ये सर इस वजह से कि ब्रांड हमने हंटिंग, ब्रांड हंटिंग के लिए कर रहे हैं सर। मतलब जिस नाम आपका दो चार पांच या 100 ब्रांड्स के नाम याद कर सकते हैं, उसमें ये होगा कि हमें इन टूल को यूज करने से हमें 100 के हिसाब से, यानी कि वो ब्रांड्स के नेम हमें आइडियाज मिल सकते हैं। जबरदस्त जबरदस्त, एक्सीलेंट, ठीक हो गया। जी उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लैक बॉक्स में हमने प्रोडक्ट है उसमें फोर टू फाइव कैटेगरीज है, जिसमें प्रोडक्ट है, कीवर्ड है, नीच है, प्रोडक्ट टारगेटिंग, ये हमने सीखा। ओके
किसी एक का मुझे क्राइटेरिया फिल करके थोड़ा सा बताइएगा। जी जी मैं आपको प्रोडक्ट का बता देता हूँ। जी जी उसमें मंथली रेवेन्यू, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम अमेज़न की मार्केट सेलेक्ट करेंगे, इसमें यूएसए मार्केट, ठीक है। और उसके बाद क्राइटेरिया में मंथली रेवेन्यू आपको, मंथली रेवेन्यू होगा 5,000, ठीक है, मंथली रेवेन्यू, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे उसमें कैटेगरी, कैटेगरी में होम एंड किचन हो सकता है, डिफरेंट हो सकती है, लेकिन हम होम एंड किचन को ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक हो गया। उसके अलावा सर प्राइस 1-2 मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 40 होगी सर। वजह मिनिमम 1-40 इस वजह से होगा सर, बजट की वजह से, क्योंकि अगर हम 40 से अबव करते हैं तो फिर हमारा बजट आउट हो जाएगा सर। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आपको माशाल्लाह कॉन्सेप्ट क्लियर है। 40 की जो चीज अमेजोन पे बिक रही है, सेल आउट हो रही है, तो जाहिर सी बात है वो सोर्सिंग फिर उससे आधी कीमत पे होगी, $20 की होगी। तो $20 की अगर हो रही है तो वो शायद बजट में आ भी जाए, ठीक है। अगर कोई चीज बिकी $250 की रही होगी तो फिर वो जाहिर सी बात है आधी कीमत पे अगर वो सोर्सिंग करनी पड़ी तो बजट ऑफकोर्स वो इस वजह से बढ़ जाएगा, ठीक हो गया। बिल्कुल सर, ओके। उसके अलावा सर रिव्यू काउंट होंगे वो मिनिमम 200 होंगे सर। क्यों 200 इस वजह से होंगे सर कि अगर 200 से कम होंगे तो वो फिर मतलब हमारे लिए वो रिलायबल नहीं है सर। आपका कहने का मकसद है अगर टू, देखें कोई भी चीज सेल आउट होती है तो अगर फॉर एग्जांपल किसी की 500 प्रोडक्ट सेल हुई है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है 500 लोग ही आएंगे और उसको आके रिव्यू देंगे, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है उनमें से 200 बंदे आके रिव्यू दे जाएं, ठीक है, हो सकता है उनमें से 150 बंदे रिव्यूज आके दे जाएं। तो हम ये चाहते हैं कि 200 बंदे वाली कम से कम ऐसी प्रोडक्ट हमें दिखाए जिसकी ऑटोमेटिकली सेल अच्छी ही होगी, हो सकता है 1,000 में हो, ठीक है, और उसको अभी 200 रिव्यूज मिले हूं, ठीक हो गया। क्योंकि बिल्कुल जैसे आपने बताया सर कि हर बंदा रिव्यू दे के नहीं जाता सर, नहीं जाता। तो 500 आएंगे तो उसमें जाहिर सी बात है 200 अगर हमें मिनिमम रिव्यू मिलेंगे तो वो हमारे लिए बेस्ट है। सही है, और ऐसी प्रोडक्ट है कि इसको रिव्यूज मिलते हैं, खरीदारी होती है इसकी, तो ये वजह के लिए भी हम कहते हैं कम से कम मिनिमम भी 200 रिव्यूज होने चाहिए। बिल्कुल सर, रिव्यू रेटिंग सर 4.2 रखेंगे हम मिनिमम। ओके हाँ जी, क्यों? और क्योंकि 4.2 से कम की जो रेटिंग है वो हमारे लिए बेहतर नहीं है। उसकी वजह ये है कि 4.2 से जो रेटिंग होगी उसमें रिटर्निंग होगी बहुत ज्यादा, उसमें डिफरेंट हमें इश्यूज का सामना करना पड़ेगा, सही तो है, उसकी वजह से हमारी लिस्टिंग सस्पेंड भी हो सकती है। 4.2 से अगर नीचे की को इसको हम लिखेंगे तो हमें ऐसी प्रोडक्ट दिखा देगा जिसमें रिटर्न होंगी और एक्स वाई जेड, ठीक हो गया, एक्सेलेंट, जी जी जबरदस्त जी सर, ठीक हो गया, ठीक है सर। और इसमें एडवांस फिल्टर में भी बता दूं सर? जी जी प्लीज प्लीज, उसका भी थोड़ा सा। जी सर, इसमें जो है एडवांस फिल्टर में हमें मंथली सेल्स यूनिट्स वो हमें चाहिए 500, और जो बेस्ट सेलर रैंक है 500 चाहिए मैक्स, मिनी मंथली सेल्स यूनिट्स का पूछ रहे हैं सर, ये मंथली सेल्स यूनिट्स का पूछ रहे हैं आप? जी 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 बिल्कुल, इसका मेरे माइंड से निकल गया सर, 500 का तो है। कोई बात नहीं, इस वजह से ये सारी चीजें हो रही है ताकि आपको बता दिया जाए। जी जी सर बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मिनिमम हम कहते हैं 500 उसके पास जो है वो ऐसी प्रोडक्ट हमें दिखाए जो प्रोडक्ट मिनिमम 500 तो महीने की यूनिट जो है वो सेल करती हो, ठीक है, 500 सेल करेगी तो जाहिर सी बात है छठे हम होंगे तो हमें कुछ ना कुछ वहां से मिलेगा, मिनिमम 500, ठीक हो गया। जी सर, ओके। बेस्ट सेलर रैंक सर हमारा मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 50,000 के क्लियर, 50,000 होगा सर। मैक्सिमम 50,000 क्यों हो भाई, वजह? 50,000 इस वजह से होगा सर क्योंकि बेस्ट सेलर रैंक लाखों में प्रोडक्ट्स का चल रहा होता है सर, okay. तो इस वजह से 50,000 के करीब, 50,000 में जो बेस्ट सेलर रैंक आएगा वो मतलब प्रोडक्ट के लिए बेहतरीन होगा सर। अच्छा जी, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए। 50 हम कहते हैं एक से लेके ऐसी प्रोडक्ट हमें दिखाए जिसके बी एस आर 50,000 के अंडर अंडर हो, ठीक है,
वजह ये है, अगर 50,000 से ऊपर इसका बीएसआर चला जाएगा तो इसकी सेल्स अच्छी नहीं होंगी, ठीक है। 50,000 से नीचे की वो अगर आएगा बीएसआर तो उसकी सेल्स अच्छी होगी, ठीक है। ये आप लोगों को आगे जाके आप लोग देखेंगे तो आपको वाकई पता चलेगा, वाकई इसका इतना बीएसआर है तो अब इसकी सेल्स आप देखो मजे की है मजे की नहीं है, ठीक हो गया जी सर। ओके जी। उसके अलावा सर नंबर ऑफ सेलर्स मिनिमम 1 होंगे और मैक्सिमम 25 होंगे सर। मिनिमम कितने? मिनिमम 5 होंगे सर, सॉरी 5 होंगे, मिनिमम 5 होंगे, मैक्सिमम 25 होंगे। उसके बाद ये होगी कि क्योंकि 5 लोग अगर मीटू करके बैठे हैं तो छठे की इजाजत हमें भी मिल सकती है इस प्रोडक्ट के हवाले। जबरदस्त, एक ही वजह है, दूसरी क्या वजह? मिनिमम 5 क्यों? क्योंकि इसमें अगर सेल्स के या यूनिट्स के हवाले से देखें तो हमें भी उसमें पांच लोगों के अलावा अगर हम भी जाते हैं तो हमें भी कुछ ना कुछ वहां से मिल जाएगा। और इसके अलावा वजह क्या, मिनिमम 5 क्यों? और का सर नहीं। और ये वजह है कि एक तो ये कि भाई इसको कम से कम 5 लोग इसको ऑलरेडी अगर सेल कर रहे होंगे तो हमारा हौसला बढ़ जाएगा, अगले ने स्टेप उठाया हुआ है, ठीक है। और हम क्यों जाके रिस्क लें, हम क्यों 5वें बने, रिस्क टेकर हम क्यों बने, ठीक है। अच्छा, एक ही वजह। दूसरी मिनिमम 5 होने की वजह यह है कि मतलब ये अब पक हो गई कि हाँ यार ये होलसेल की ही प्रोडक्ट है, ठीक है, वो पीएल की नहीं है। क्योंकि हो सकता है 2-3 तक भी वेरिएशन की कोई अलग लिस्टिंग भी वो लगा सकता है, या वो खुद भी एफबीए भी कर रहा होगा, एफबीएम भी कर रहा होगा, उसी की खुद की वो होगी लिस्टिंग, ठीक है। तो हम कहते हैं मिनिमम भी 5 जो है वो नंबर ऑफ सेलर्स हो। अच्छा जी सर, मैक्सिमम आप बताइए 25 क्यों? नहीं सर, इसके हवाले से कुछ खास अभी, अब वैसे वो क्राइटेरिया के हवाले से तो क्लियर था लेकिन मैक्सिमम इसका नहीं आइडिया मुझे। ओके, नो प्रॉब्लम। 25 इसीलिए, मैक्सिमम 25 बंदे इसके अंदर इसको सेल कर रहे हो, ठीक है। अगर 26 में हम बनेंगे तो हमें क्या वो मिलेगा, सेल्स क्या डिवाइड होगी, ठीक है, प्रॉफिट, सेल्स डिवाइड होने के बाद आपको क्या मिलेगी, ठीक है। तो कितनी भी अच्छी प्रोडक्ट वो सेल है उसके, मिसाल की बात है उसकी लाखों में सेल है, फिर भी 25 लोग उसको कर रहे हैं, तो फिर भी आप उसमें क्यों जाना चाहेंगे? कंपटीशन बढ़ेगा उसमें, कोई उसका प्राइस का वॉर ना शुरू कर दे, कोई कुछ भी हो सकता है, मतलब ज्यादा आपका रिस्क हो जाएगा वो उसके अंदर, ठीक हो गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद सर फुलफिलमेंट में हम FBA क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं? FBA आप क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं? FBA इस वजह से कि सर ये हमारे लिए बेहतर है, इस वजह से कि क्योंकि इसमें ज्यादातर जो भी मतलब कस्टमर के डोर स्टेप तक अगर जो चीज पहुंचाएगा ये सारी सरदर्दी अमेज़न की होगी सर। नहीं, आप देखें यहाँ क्राइटेरिया में पुट कर रहे हैं FBA इसलिए पुट कर रहे हैं कि आपको ऐसी प्रोडक्ट दिखाए, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर FBA वाले ही बन रहे हैं, आप FBM तो कर ही नहीं रहे, आप ऐसी प्रोडक्ट देखना चाहते हैं जो लोग ऑलरेडी FBA वाले कर रहे हैं, FBA ही कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी प्रोडक्ट आप सर्च कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी लोग FBA ही कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल। आप ऑलरेडी नहीं कर रहे, जो ऑलरेडी कर रहे हैं, जो दूसरे लोग ऐसी प्रोडक्ट हमें दिखाए जो कि ऑलरेडी FBA कर रहे हैं, ठीक है, FBA कर रहे हैं जी। और Amazon आप क्यों सेलेक्ट करते हैं? Amazon इस वजह से सिलेक्ट कर रहे हैं सर कि Amazon भी इस प्रोडक्ट को ऐसी प्रोडक्ट दिखाए जो जिनको Amazon भी सेल आउट कर चुका हो सर। अच्छा, नहीं आप तो कहते हैं कि, हम तो कहते हैं भाई वो Amazon डोमिनेशन ना हो, या उसमें उस प्रोडक्ट में Amazon ना हो, तो फिर अभी यहाँ पर Amazon आप क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं? जी मैं कहता हूं कि जो जिस प्रोडक्ट को Amazon सेल कर रहा है उसको आप नहीं गो थ्रू करें, उसको नहीं बेचना चाहिए आपको। आप यहां पर Amazon सेलेक्ट कर रहे हैं, इसको क्राइटेरिया दे रहे हैं, क्यों वजह? सॉरी सर, बताइएगा प्लीज। नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, वजह यह है कि इसलिए मैं कर रहा हूं इसको सेलेक्ट सर Amazon को,
क्योंकि मैं चाहता हूं कि कोई बात नहीं, ऐसी प्रोडक्ट में मुझे दिखाए जो कि अमेजोन भी खुद उसको उन प्रोडक्ट को वो सेल आउट कर रहा हो। हो सकता है वो पहले अमेजोन सेल कर रहा हो, अब ना सेल कर रहा हो, ठीक है, एक ही वजह है। दूसरी वजह हो सकता है इस वक्त वो जो है आउट ऑफ स्टॉक हो, मैं अपॉर्चुनिटी फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक हो गया सर, ये वजह है। ओके, क्राइटेरिया हो गया आपका, ये डाउनलोड हो सकती है सीट आपकी? जी सर बिल्कुल डाउनलोड हो सकती है सर। ओके गुड हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आपका आ जाता है मैग्नेट। मैग्नेट में भी आपने ये सारा काम कर लिया, जंगल स्काउट का बताइएगा प्लीज। जंगल स्काउट में सर हम उसमें जाएंगे, स्टार्टिंग में हम उसके होम पेज पे प्रोडक्ट रिसर्च है सर। ओके गुड हो गया। प्रोडक्ट रिसर्च में हम जाने के बाद हम उसमें डेटाबेस में जाएंगे सर। ठीक हो गया। ओके हो गया, गुड गुड। वहां पे भी आपने क्या किया? क्राइटेरिया पुट किया सर। क्यों कर रहे हैं क्राइटेरिया पुट, क्यों कर रहे हैं क्राइटेरिया पुट? इस वजह से कर रहे हैं सर, हमें डिफरेंट आइडियाज मिल सके, आइडियाज मिले, ब्रांड मिले, प्रोडक्ट रिसर्च होगा। जी जी सर, ठीक है। अच्छा तो जानशेर, अगर आपको मार्केट में कोई क्लाइंट मिलता है और वो अगर आपको अपना कोई क्राइटेरिया देता है, तो क्या आप आकर इन्हीं टूल्स को यूज करके उसके क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं या नहीं? बिल्कुल निकाल सकते हैं मैम, क्यों नहीं निकाल सकते। एक्सीलेंट। अच्छा जी, कीपा के बारे में जरा बताइएगा। कीपा के हवाले से सर, एक सेकंड में आप। ओके, कीपा में हम सर कीपा की पहले एक्सटेंशन ऑन करेंगे, उसमें फिर डाटा में जाके हम प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे सर। ओके ठीक है, डाटा में जाके वहाँ प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे सर। उसमें हमें काफी सारी प्रोडक्ट्स मिलेंगी। इसमें थोड़ा सा मुझे ये क्लियर नहीं हो रहा, हाँ, इसमें हम मतलब कीवर्ड डालेंगे या ऐसा नंबर डालेंगे? कुछ भी नहीं, कीपा में हम कुछ भी नहीं डाल रहे, सिर्फ और सिर्फ उसको क्राइटेरिया पुट करते जा रहे हैं। उधर आपको एक लंबा चौड़ा चार्ट मिलता है, ठीक है, जब आपने प्रोडक्ट फाइंडर का ऑप्शन पे जाना है ना, तो आपको एक लंबा चौड़ा चार्ट मिलता है, ठीक है, उसमें से कुछ ऑप्शन आपके काम के हैं, बस उन्हीं को आपने फिल आउट करना है, जैसा कि आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर में मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल, वो थोड़े से ही हैं वो मैम, जिसमें हमने उसमें क्राइटेरिया पुट करके उसको हमने सर्च करना है, उसके साथ वैसे वो जैसे जैसे क्राइटेरिया पुट करें तो उसके साथ वो आता जाता है कि कितनी प्रोडक्ट्स हैं इस हवाले से। एग्जैक्टली, ठीक हो गया। अच्छा ग्राफ बताइए, कीपा का ग्राफ आप क्यों देखते हैं, कैसे देखते हैं? ग्राफ हम बेसिकली जो उसका है वो BSR देखने के लिए हम ट्राई करते हैं उसको, ग्राफ को। उसकी वजह यह है कि हम उसका मिनिमम जो हमने देखना है वो 3 मंथ का देखना है, कि 3 मंथ में इसका बेस्ट सेलर रैंक कहाँ तक गया। ओके, उसके हवाले से हम देखते हैं तो। अच्छा थोड़ा BSR को और मुझे जरा बताइए कि क्यों आप देख रहे हैं, वजह? BSR देखने की वजह यह है सर कि उससे हमें पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट, क्योंकि हमें एक से 50,000 तक का चाहिए BSR, तो उसमें प्रोडक्ट का व्यू पता चल जाता है कि इसका BSR क्या है। अच्छा मैं थोड़ा सा इसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। BSR हो या आपका प्राइस हो, दोनों में आप उसकी सस्टेनेबिलिटी देख रहे होते हैं, मतलब उसमें फ्लक्चुएशन ना हो, अप एंड डाउन ना हो, ठीक है। उसके 3 महीने में तो, मतलब 3 दिन में आ रहा है उसका BSR 13,000, ठीक है, और अगर पीछे जाके देखें तो 18 दिन उसका BSR चला है तकरीबन कोई 50,000, तो ये फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, मतलब कभी इसको सेल अच्छी मिलती है, कभी इसको सेल बिल्कुल गंदी मिलती है, ठीक है। रिसेंटली इसकी सेल बहुत अच्छी है, इसीलिए इसका BSR 13,000 है, ठीक है, या 100 के अंदर अंदर है, ठीक है, तो इसका BSR अच्छा है। और पिछले वाले दिन में जाके देखेंगे, पिछले महीने वाले में देख रहे हैं तो उसका BSR 50,000 को टच करा है या 25,000 को टच करा है, तो इसका मतलब इसकी सेल जो है वो 500 भी नहीं है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सर, करंट BSR पे हम उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट नहीं कर सकते सर, दोनों को हम इसलिए हम देख रहे हैं, चाहे प्राइस हो कीपा के ग्राफ में, और हम कीपा का ग्राफ ही इसीलिए यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, सही। हम फ्लक्चुएशन उसकी देखें कि ज्यादा तो फ्लक्चुएशन नहीं है, ठीक है। अगर BSR भी में भी मजा नहीं है, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है तो छोड़ देंगे, अगर प्राइस में भी फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है तो छोड़ देंगे,
नहीं भाई ये कभी 2100 रुपए की बिक रही होती है, कभी 150 रुपए की बिक रही है, कभी 500 रुपए की बिक रही है, एक बेकार प्रोडक्ट है। ठीक है, वो इसलिए बिक रही है क्योंकि उसके अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। उसके अंदर जो 25 लोग सेल करने वाले हैं या 4 लोग सेल करने वाले हैं वो बहुत ही कोई मैन्युफैक्चरर हैं, वो इसको जो जो मैन्युफैक्चरर प्राइस है ना उस पे आके बेचने लग जाते हैं। तो ऐसी प्रोडक्ट को हम बेच के क्या करेंगे जिसमें मैन्युफैक्चरर खुद बैठा हुआ। ठीक है, बिल्कुल सर, प्राइस वार बहुत है उसके अंदर, प्राइस वार ना। ठीक हो गया, इस वजह से हम कीपा का ग्राफ देखते हैं। जी सर। अच्छा जी, ग्राफ में आप कम से कम BSR को कितने उसमें देखते हैं, 3 महीने, और क्या BSR 6 महीने का देख सकते हैं? बिल्कुल सर, देख सकते हैं। वो मैं आपको बेसिकली ये बताऊं कि कल का जो लास्ट लेक्चर है ना, जिसमें OS add-on एंड आपने ग्राफ वगैरह पढ़ाया है सर, ओके, तो वो लाइट ना होने की वजह से मैं स्किप कर चुका हूं सर। ओके, ठीक है ठीक है। तो वो मैंने वैसे भी आपका लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर देखा है, उसमें सुना है मैंने, लेकिन ज्यादा इंफॉर्मेशन मुझे अभी नहीं है। चले कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। आप उसमें आपने बताया है कि वो उसमें हम 6 मंथ का देख सकते हैं, वो साइट पे आपने जाके ना डेटा में जाके। एग्जैक्टली सर, ठीक है ठीक है ठीक है। चले जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट असेसमेंट बाय जानशेर। थोड़ा सा सर सॉरी इस वाले से कि मैं शायद चीजों को बयान सही तरह से नहीं कर सकता, बता सकता हूँ ऑन द स्क्रीन। नो वरीज, ठीक है, यही बताए, यही हमारे लिए बहुत है आप लोगों की तरफ से, थैंक यू सो मच, जबरदस्त सर। अच्छा जी, उमर फारूक के साथ तो प्लीज आप अनम्यूट हो जाए। जी जी प्लीज सर, जी सर मैं अवेलेबल हूँ। जी जी, वालेकुम अस्सलाम जी उमर फारूक सर, आप बताइए शुरू से लेकर। जी सर मैं कंटिन्यू करूँ। जी 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 प्लीज। जी सर, हमने पहले सबसे पहले अमेज़ॉन के बारे में पढ़ा था। अमेज़ॉन के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट पहले मार्केट सेलेक्ट करते हैं, मतलब कि हम किस मार्केट में जाना चाह रहे हैं। उसमें डिफरेंट कंट्रीज शामिल है, जैसे USA, UK, इंडिया, और जैसे कि हमने पढ़ा था उसमें सबसे ज्यादा जो मार्केट अवेलेबल है अमेज़ॉन में वो USA के हवाले से है, तो हम उसी मार्केट में जाएंगे जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बिजनेस होगा। सही है, बेहतरीन, जबरदस्त। और इसमें आगे हमने पढ़ा था, इसमें जो मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं जैसे FBM, FBA, FBM और होलसेल। ठीक है, तो FBA है वो दिस इज द एब्रीवेशन ऑफ फुलफिलमेंट बाय Amazon। ठीक है, इसमें जो प्रोडक्ट है वो Amazon ही लेता है, उसके एक वेयर हाउस होता है, उसमें प्रोडक्ट को वो अपने मतलब कि खुद ही डिलीवर करते हैं आगे कस्टमर डोर तक। सही है, ठीक है। और इसके अलावा सर जो है वो सेकंड है FBM। FBM इज द एब्रीवेशन ऑफ फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। और इसमें जो ये असल में हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि इसमें जो बिजनेस कर रहा होता है उसकी खुद ही उसने डील करना होता है, इसमें अमेज़ॉन का इंटरफेयर नहीं होता, मतलब कि इसमें प्रोडक्ट्स वगैरह जो हम डिलीवर कर रहे होते हैं वो डिले हो या उसमें कोई फॉल्ट हो या रिटर्न हो तो वो उसमें अमेज़ॉन उसका जिम्मेदार नहीं होगा, तो इसके इसलिए ये हमारे लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल नहीं है। और होलसेल में PL आ जाता है, प्राइवेट लेबल, और इसके अलावा फिर हम इसमें मार्केट जब सेलेक्ट करते हैं तो USA का जो हमारा कोड है मार्केट सेलेक्ट करने का, दैट इज 1001। ठीक हो गया। और इसके अलावा सर जो है हमारा उसमें हमने बात फिर BSR के बारे में पढ़ा था, दैट इज द एब्रीवेशन ऑफ बेस्ट सेलर रैंक जो होता है, उस जैसे कि आपने बताया था कि ये 1 to 50,000 होता है, इसमें सेल के हवाले से होता है, अगर 50,000 होगा तो इट्स मीन के उसकी जो सेल BSR है वो बेस्ट है। सही है, ठीक है जी सर। और प्रोडक्ट के हम SN नंबर चेक कर सकते हैं, और इसके अलावा सर आगे है एनुअली आपको पता चलेगा कि ये PL की प्रोडक्ट है या होलसेल की। हाँ जी सर, बिल्कुल सर। ओके, ठीक हो गया। उसके बाद हम आगे आ जाएंगे, फिर हमने मुख्तलिफ टूल्स यूज किए
जिनके थ्रू हम ब्रांड हंटिंग कर सकते हैं, मतलब के डिफरेंट आइडियाज ले सकते हैं कि हम कैसे, फॉर एग्जांपल हम अमेज़न से अब सर्च करें कोई भी की डालें तो हमें प्रोडक्ट वो शो तो करेगा, लेकिन हम एक एक प्रोडक्ट को चेक करने में हमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ये बहुत ज्यादा, तो इसलिए हम मुख्तलिफ जो है वो टूल्स यूज करते हैं, हम ये हमारी आसानी के लिए है। जैसे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हीलियम 10 यूज किया, सही है, ठीक है। हीलियम 10 में हम पहले ब्लैक बॉक्स में जाते हैं, उसमें हमें मुख्तलिफ कैटेगरीज मिलती हैं, जैसे प्रोडक्ट्स, उसके अलावा कीवर्ड्स, नीच और प्रोडक्ट टारगेटिंग, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा क्राइटेरिया होता है जिसको हम पुट करके हम कैटेगरी सिलेक्ट करके जो हम हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट्स या ब्रांड्स होते हैं उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है जी सर। फॉर एग्जांपल हम प्रोडक्ट का अगर क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले तो मार्केट सिलेक्ट करेंगे, जाहिर सी बात है जिस हम मार्केट में जाना चाह रहे हैं तो उसको हम पहले सिलेक्ट करेंगे, जैसे हमारी जो टारगेट मार्केट है और बेस्ट मार्केट है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा बिजनेस है तो वो यूएसए मार्केट है, सही है। उसके अलावा हम फिर कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं, मतलब कि हम कौन सी प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्रोसरी एंड गॉर्मेट प्रोडक्ट्स हो गए, या इसके अलावा किचन की होम एंड किचन हो गई, ठीक है। इस तरह मुख्तलिफ हम डिजायर्ड प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे और मंथली रेवेन्यू, ठीक है, मंथली रेवेन्यू को रिव्यूज सॉरी हाँ मंथली रेवेन्यू को देखेंगे minimum. जो कि मिनिमम 500 होता है, 5000, ठीक है, 5000 सॉरी 5000 होता है। इसको आप लीनियंसी देकर इसको आप नहीं भी फिल कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी सर नहीं, इसको आप लीनियंसी देने के लिए अगर आपका इसको कंजेस्टेड नहीं करना है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं इस वाले ऑप्शन को भी, ठीक है। मंथली रेवेन्यू जी, मंथली रेवेन्यू मिनिमम जी सर, ठीक है। और इसके अलावा जो हम प्राइस करते हैं फिक्स, इसमें $1 to $40 होती है, वो इसलिए के इस तरह की प्रोडक्ट हम लेते हैं कि जो कि अप्रोचेबल हो और उसके क्या नाम है सर, इजीली टू डिलीवर, और हम उनकी जो है उसके बारे में बिजनेस भी इजीली कर सके, ठीक है, हमारा बजट में भी आ रही हो चीजें, हाँ जी बजट में भी आ रही होती है, ठीक है। और उसके अलावा रिव्यू काउंट जो होते हैं वो सर एक मिनट मैं आपको सर बताता हूँ, रिव्यू काउंट मैंने अपने लिखा हुआ था, रिव्यू काउंट जो होते हैं वो मिनिमम हम 200 इसमें, रिव्यू काउंट का सर थोड़ा सा मुझे आइडिया नहीं है, इसका थोड़ा सा बता दें। ओके ठीक हो गया, रिव्यू काउंट जो है उसका मिनिमम इसलिए हम कहते हैं क्योंकि ऐसी प्रोडक्ट जिसको खरीदने वाले भी हो, इस वजह से हम कहते हैं मिनिमम जो है वो 200 रिव्यूज हो, या हमें इससे ये भी अंदाजा होता है जी सेल हुई है तो इसके पास 200 मिनिमम वो रिव्यूज आ रहे हैं, ठीक है, तो इस वजह से 200 मिनिमम, मतलब कि हम 200 रिव्यूज इसलिए देखते हैं कि 200 लोगों ने इस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यूज दिए हैं तो ये हमारे लिए बेस्ट है, ऐसे सर जी, ठीक है सर जी। आगे इसमें हम देखेंगे और फिर हम आ जाते हैं एडवांस फिल्टर में, उसमें हम जो है सर फुलफिलमेंट रिव्यू रेटिंग का तो मुझे बताएं जरा सर, रिव्यू रेटिंग जो होती है वो 4.2 होती है। अच्छा क्यों सर? वो इसलिए कि ये प्रोडक्ट के हवाले से बेस्ट है और इससे अगर कम होगी तो इसमें ये है कि रिटर्न्स या ठीक है रिटर्न्स मतलब के जो होती है ना, हो सकता है रिटर्न्स हो, हाँ हो सकता है उसमें रिटर्न्स आ जाए, ठीक है, वो इस वजह से हम 4.2 करते हैं, मतलब कि ये बेस्ट होती है। मैक्सिमम अगर स्टार रेटिंग की बात करें तो मैक्सिमम स्टार रेटिंग होती है 5, ठीक है, 5 स्टार मिलते हैं,
पांच स्टार से हम कहते हैं 4.2 मिनिमम हो, ठीक है, इससे नीचे की ना हो, इससे नीचे की अगर कोई प्रोडक्ट हो तो हमें ना दिखाए भले, ठीक है सर? बिल्कुल ठीक है सर। नेक्स्ट हम आ जाएंगे एडवांस फिल्टर में। ओके, एडवांस फिल्टर में हम जो है वो बेस्ट सेलर रैंक देखेंगे। ओके, वो होना चाहिए 50,000 तक मैक्सिमम। हाँ जी, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 50,000। वजह इसलिए सर कि जो बेस्ट सेलर रैंक होता है वो भी प्रोडक्ट्स की जो सेल को शो कर रहा होता है, अगर फॉर एग्जांपल 50,000 से ऊपर होगा तो उसमें भी ये होता है कि प्रोडक्ट्स की रिटर्न्स के हवाले से या मिसयूज के हवाले से, मतलब के जैसे वो प्रोडक्ट रिटर्न हो गई हैं या फिर उसमें कोई फॉल्ट है या इस तरह, इस हवाले से होगा। नहीं, नहीं, जो मुझे आइडिया है सर। नहीं नहीं, मैं दोबारा आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, ये BSR जो है वो मैक्सिमम 50,000 इसलिए हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं कि हमें ऐसी प्रोडक्ट दिखाए, क्योंकि BSR मिलता ही आपकी सेल्स की परफॉर्मेंस पे है, ठीक है? आपकी सेल्स हो रही है, मिसाल की बात है 500 पीसेज आपके मंथली अगर सेल हो रहे हैं तो आपका BSR होगा 3,000, 4,000, 6,000 समथिंग लाइक दैट, ठीक है, या 20,000, ठीक हो गया इस तरह। अगर आपकी वहीं पर सेल हो रही है 25,000 यूनिट, जी सर, ठीक है, तो आपको BSR मिल सकता है, हो सकता है 100 के भी अंडर हो, ठीक है, 12, 13, 18, 20, 25, 80 ऐसे भी आपको मिल सकता है। तो हम कहते हैं कि ऐसी प्रोडक्ट हमें मैक्सिमम, जिसके पास BSR का बैच मैक्सिमम जो है वो 50,000 तक हो, उसकी अंडर अंडर जो भी आती है प्रोडक्ट्स वो हमें दिखा। सर ये बताएं कि, सॉरी मैं इंटरप्ट करूं, सर ये BSR होता है, ये प्रोडक्ट के हवाले से हमें क्या शो कर रहा होता है? प्रोडक्ट का के पास बैच होता है, बैच होता है, ये BSR बैच होता है, ठीक है, नंबर होता है, बैच का नंबर होता है, बेसिकली सेल्स पे इसको मिलता है, रैंक नंबर होता है, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट किस रैंक पे चल रही है आजकल, ठीक है, ये समझ आइए रैंक नंबर जी, जो इसकी सेल्स की परफॉर्मेंस होगी उस हिसाब से इसको रैंक दिया जाएगा। अच्छी सेल्स है तो अच्छा रैंक, बुरी सेल्स है तो बुरा रैंक। बुरी सेल्स से मुराद, अगर मिसाल है बुरी सेल्स किसको बोलेंगे, अगर किसी किसी प्रोडक्ट में 10 बंदे वो सेल कर रहे हैं तो उसकी अगर हम कहें इस प्रोडक्ट की बुरी सेल है तो क्या बुरी होगी उसकी, पूरे महीने में 500 सेल कर रहा हो, 300 सेल कर रहा हो, तो बुरी सेल है ना, ठीक है जी सर। एक प्रोडक्ट के अंदर 25 बंदे हैं लेकिन वो पूरे महीने में यूनिट सेल करता है 1,00,000, तो अच्छी सेल है उसकी, अच्छी सेल होगी, यूनिट होगी तो BSR इसको अच्छा मिलेगा, एक से लेके ऊपर जाता जाएगा, ठीक है, 50,000 से कम ही होगा, ठीक है, अदरवाइज उसको फिर वो 50,000 से भी ऊपर चला जाता है, मैं तो कहता हूँ 100 से भी ऊपर ना हो जब आप इस लेवल पे आ जाएंगे, ठीक हो गया जी सर? ओके, मतलब कि BSR जो है वो प्रोडक्ट की रैंक को शो कर रहा होता है, रैंक को शो कर रहा है, एग्जैक्टली, किसकी बिना पे, सेल्स की परफॉर्मेंस के बिना पे, मतलब कि ये जो प्रोडक्ट सेल हो रही है वो फॉर एग्जांपल एक मंथ में उसकी कितनी यूनिट्स जो है वो सेल हुए हैं, जी 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 जी, उसके हिसाब से इसको मिलता है जी सर। और नंबर ऑफ सेलर्स जो है वो 5 to 25, मिनिमम 5 एंड मैक्सिमम 25। मिनिमम 5 क्यों, वजह? मिनिमम 5 इसलिए कि कम से कम ऐसे 5 ऐसे लोग, ऐसी मतलब कि लोग हों जो उसको अप्रोच कर रहे हों, उसमें छठे हम भी शामिल हो जाएं, उसको मीटू करके बैठे हों, मीटू करके बैठे हों। और 25 इसलिए कि 26 हम नहीं कर, उससे ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि हम ऐसा नहीं चाहते कि हम ही क्यों रिस्क ले, मतलब 26 जो है वो। मैं दोबारा आपको रिमाइंडर करवा देता हूँ, पहले तो ये मिनिमम की बात हो रही है, मिनिमम 5 इसको लोग क्यों सेल कर रहे हूँ, मिनिमम 5 लोग क्यों मीटू करके बैठे हूँ, वजह एक कि हमें ये पहली बात पता चल जाती है कि ये PL की प्रोडक्ट नहीं है, ये होलसेल की प्रोडक्ट है, इसको दूसरे लोग भी मीटू करके बैठे हैं। दूसरी वजह ये कि हो सकता है ये अच्छा ब्रांड है, 5 लोगों को अप्रूवल दिया है तो हमें भी अप्रूवल दे दे, ठीक है।
तीसरी बात है, अगर किसी ने अप्रूवल नहीं दिया और मीटू करके बैठे हैं फिर भी कमाए जा रहे हैं, कोई उनको कुछ नहीं कह रहा, तो हम भी चले जाएंगे, ठीक हो गया। चौथी बात ये, पांच क्यों ना हो, मतलब अगर क्यों हो, पांच से कम क्यों ना हो, इस वजह से क्योंकि ये इसको कोई भी तीन से ज्यादा लोग नहीं कर रहे, हो सकता है ये पीएल वाले ही दो तीन अपनी वेरिएशन लगा के, या वेरिएशन के अलावा भी ये एफबीए भी ये कर रहा है, एफबीएम भी ये कर रहा है, ठीक है, हो सकता है एमएफएन भी ये कर रहा हो, ठीक है, तो तीन तो इसी की लिस्टिंग हो गई, हो सकता है ये पीएल की हो, ठीक है, तो ये इस वजह से भी हम कहते हैं मिनिमम पांच हो। अच्छा, उसके अलावा चार क्यों ना हो, भाई चार हो मतलब इसको पांच लोग सेल कर नहीं रहे, ये सेल होती नहीं है, पांचवा भी आया होगा बंदा इसको सेल नहीं कर पाया होगा, इसीलिए कोई टिक नहीं रहा इसकी लिस्टिंग पे, पांच बंदे अगर टिके हुए तो छठे हम भी हो जाएंगे जी सर, मिनिमम मैक्सिमम 25 क्यों जी सर बता दें, मैक्सिमम 25 इसलिए के सेल्स जो है वो डिवाइड होगी तो आपके हिस्से में क्या आएगी, ठीक है, 25 से ज्यादा ना हो, ठीक है सर, ठीक हो गया सर। 20 मैक्सिमम 25 फिर रिपीट करते हैं क्यों, मतलब 25 26 क्यों ना हो, 26 क्यों ना हो, मैं कहता हूं 25 से ज्यादा इसलिए ना हो, सेल्स आपकी डिवाइड होगी जी सर, क्योंकि फिर आपके हिस्से में क्या आके बैठेगा, फिर एक ये भी इसके अलावा भी इसमें एक वो है खदशा ये है कि इसमें कंपटीशन बढ़ जाएगा, फिर खुदा ना खासा आगे चल के प्राइस वॉर ना हो जाए। देखिए बात सुने जी, बाय बॉक्स आगे जाके आप लोग पढ़ेंगे, 25 से ज्यादा क्यों ना हो इसका जो लॉजिकली आंसर है, देखें जिस भी सेलर को बाय बॉक्स मिलता है सेल्स उसके हिस्से में आती है, ठीक है, बाय बॉक्स रोटेट होता है तमाम सेलर्स के दरमियान, ठीक है, अब अगर 25 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो चलो ठीक है मिल बांट के उनको सेल्स मिल रही हैं, लेकिन अगर 25 से ज्यादा लोग यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको मुझे बताएं कितनी देर के बाद बाय बॉक्स मिलेगा, सेल जो है वो औरों के हिस्से में चली जाएंगी, आपके हिस्से की सेल्स जो है बाद में आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर एक ऐसी प्रोडक्ट है जो सिर्फ 1000 पीसेस बिक रही है महीने की और उसमें 25 लोग मिलकर इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, तो आप इसको डिवाइड करें जरा, 1000 को जरा 25 पे डिवाइड करें कि हर किसी के हिस्से में कितने कितने यूनिट्स आ रहे हैं। तो इसलिए आइडियल एक क्राइटेरिया ये होता है कि कम से कम 5 सेलर्स, मैक्सिमम 25 सेलर्स। खैर बाय बॉक्स को अगर बात होती है तो बाय बॉक्स के उसमें मैं खामोश नहीं रह सकता, क्योंकि बाय बॉक्स शुरू में उसका एल्गोरिदम ये था कि वो 8 घंटे के बाद चेंज होता था, जितने भी सेलर बैठे हों 8 घंटे एक के पास, दूसरे 8 घंटे दूसरे के पास, तीसरे 8 घंटे तीसरे के पास, लेकिन उसके बाद अब बहुत सारी चीजें उसमें इन हो गई हैं, ठीक है, तो बाय बॉक्स की स्ट्रेटेजी हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये वजह भी है बाय बॉक्स हासिल करने के लिए हम कहते हैं 25 से ज्यादा ना हो, ठीक है, वरना फिर हमारा कहाँ जाके वो होगा, किस तरह होगा, ठीक है, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा जी, बहुत सारी और वजह भी है बाय बॉक्स को विन करने की, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे, ठीक हो गया, ठीक है सर, आगे चलो सर जी। FBA क्यों कर रहे हैं इसमें आप सेलेक्ट? इसमें FBA इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि ये जो FBA है इसमें जो प्रोडक्ट्स जो भी है वो वेयर हाउस भी Amazon यूज कर रहा होता है और आगे डिलीवर भी Amazon की तरफ से हो रहा होता है और इसमें सिर्फ हमें थोड़ी सी फीस पे करनी पड़ती है और इसलिए हमारे लिए बेस्ट होता है। FBA आप यहाँ पर सेलेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप ये चाहते हैं ये हीलियम 10 का ये बाय बॉक्स ब्लैक बॉक्स जो भी है ये हमें वो प्रोडक्ट दिखाए जो के लोग ऑलरेडी FBA ही कर रहे हों जी, ठीक हो गया, ठीक है, ओके। Amazon इसमें क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं आप क्राइटेरिया में? इसका भी थोड़ा सा रिव्यू दे दें सर मुझे। Amazon आप इस वजह से इसको सेलेक्ट कर रहे हैं कि आप देख रहे हैं सर, पहली बात हम कहते हैं कि Amazon ऐसी प्रोडक्ट के साथ हम नहीं जाएंगे जिसको Amazon खुद सेल कर रहा हो, ठीक है, फिर हम कहते हैं कोई बात नहीं आप ऐसी प्रोडक्ट भी हमें दिखाएं जिसको Amazon